خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد مصطفیٰ بہاروں پہ بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی پر تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی قابل صد احترام میرے بہت ہی پیارے بزرگو عزیز و دوستو حضرت حاجی محمد طارق صاحب دامت مفیوز ہم کی پرخلوص دعوت پر
मदरसा अमीर हमजा की तमाम इंतजामिया की कोशिश काविशों में जो आज ये बावकार और पुर्रौनक सीरत के उन्वान से जो प्रोग्राम आप हजरात को देखने को सुनने को मिल रहा है, न जाने इसके पीछे इसकी कबूलियत के लिए कितनों की दुआएं हैं, कितनों का तआवुन है और कितनों की मेहनत है, तब जाके आज का ये प्रोग्राम जो इख्तितामी मराहिल की तरफ आखिरी मेहमानों को सामने लाकर आप हजरात को अताओं और दुआओं के साथ रुखसत करेगा और इस उम्मीद के साथ के मदारिस दीनिया को हर लिहाज से आप तआवुन करते रहेंगे और अल्लाह के घर यानी मसाजिद को नमाज के सजदों से आबाद करते रहेंगे। हर जलसे का मकसद यही होता है, हर इज्तमा का मकसद यही होता है कि अल्लाह की मखलूक खुदा की मखलूक को तो पहचान गई, काश अल्लाह की मखलूक अल्लाह को भी पहचान जाए। जितना मखलूक से ताल्लुक के टूटने का गम उसको महसूस होता है, जितना इस वक्त अल्लाह से दूर है, कम से कम उतना ही इसे गम और फिक्र महसूस होने लग जाए। वगरना अगर इंसान यूं समझे कि जलसों के बगैर दीन मुकम्मल कोई नहीं तो ऐसी बात कोई नहीं। उन्वान जलसे का दिया जाता है और आप हजरात का कट किया जाता है ताकि अवामी मजमा हर मकतबा फिक्र से अपने अपने मसलक को सामने रखते हुए अपने अपने फिरके से वाबस्ता होकर इज्तमाआत के अंदर आए और शमूलियत करें और वहां उसको खालिस दीन बताया जाए सुनाया जाए। और जो जिंदगी मस्जिद के दरवाजे पर अभी अभी छोड़ के आया है उस जिंदगी को इस जिंदगी के सामने रख के देखे, आया मेरी गुजर बसर सही हो रही है या जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूं ये जिंदगी ये लम्हात मुझे कहां लेके जा रहे हैं। और आज हमने अल्लाह के दीन के बारे में कुरान की अजमत के बारे में सोचना छोड़ दिया तो जमीन पर जो मौजूदा हालात है ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर वो हमारे सामने नतीजा है। अल्लाह वालों की मेहनत और इन एक अल्लाह वालों में से एक अल्लाह वाले खानदान सिलसिला नक्शबंदियां माल किया ये आप हजरात के सामने वली कामिल फखरुस सादात वली इब्ने वली सैयद अब्दुल महबूद साहब आजाद दामा कफ्यूद अपनी नेक निगाहों में आप हजरात को सककर गाहे गाहे हमारा ताल्लुक अल्लाह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप हजरात दीन के प्यासे यहां तशरीफ लाए हो। मैं आप हजरात से मुख्तसर वक्त में वही बाजारी बात कह दूं जो आप रबीउल अव्वल के महीने की इब्तदा से अब तक सुन के आए हो कि सोना आया सजगे गलियां पे बाजार गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है जो होना इसके मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। अगर इसी उनवान पे मैं बोलने लग जाऊं तो आप कहेंगे मौली साहब ये तो कान हमारे सुन सुन के थक गए, वो बात बतलाओ जिस पर अमल करके अंधेरी कब्र रोशन हो जाए, वो बात बतलाओ कि मुझे मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए।
वो बात बतलाओ कि आज जो मेरे घर के अंदर हर कोई हथियार लेकर खड़ा है और माँ बाप की नाफरमानी का ऐलान कर रहा है, बहन भाइयों में आपस में बगावत शुरू हो गई, क्या सिर्फ हलीमा की गोद में आना आकर मुस्कुराना ये दीन है? इसके अलावा भी कोई दीन है? मैंने सुना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो 9 अजवाज मुतहरात के हुजरे मस्जिद नबी के साथ थे, तो मैंने कभी सिद्दीक अकबर, कभी उमर, कभी बिलाल, कभी मिकदार, कभी जैद, कभी उसामा, कभी हारिसा, इनके दरवाजे बजाए और उनसे पूछा, मैं तो रीला वादी में, दुल्ले वादी में रहता हूँ, तुम मदीने में हुजूर के पड़ोस में रहते हो, तुम्हारे मकानों की दीवारें हुजूर के मकान की दीवार के साथ है, कभी तुमने मियां बीवी के दरमियान झगड़ा, घर के अंदर झगड़ा देखा है? मोमिनों की मां कायनात के अंदर अजीम तरीन बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मस्जिद नबी के दरवाजे के साथ था, कभी हुसैन को थप्पड़ मारने और झगड़ने वहां झड़की देने की कभी आवाज मस्जिद में सुनाई दी? कभी हजरत अली फातिमा के झगड़े की और उनके बोलने की आवाज हुजूर को मिंबर पर सुनाई दी? तो अज़रा है करम वाली साहब, ये बीमारियां मेरे घर के अंदर है, मैं जब भी घर जाता हूँ बीवी जुबान दराज करती है और चुप का तमीज, मेरे पास कोई नहीं, ईंट का जवाब मैं भी पत्थर से देता हूँ, कभी वो दो हाथ आगे हो जाती है, कभी मैं दो हाथ आगे हो जाता हूँ। वाली साहब मुझे नबी वाली जिंदगी से कोई ऐसा तमीज दो कि मेरे घर के अंदर अमन आ जाए, मैं सुकून से अपने घर के अंदर रात गुजारूं और सुबह मैं जब उठूं तो नाश्ते के साथ और दुआओं और प्यार के साथ मेरे इस्तकबाल किया जाए। 500 का मजमा होगा, 50 ऐसे होंगे जिनसे घरवाली सुबह राजी होगी, जिनको रुख्सत किया होगा, बाकी दे मार 4:30 दरवाजे तक सुनाई दी होगी, जो कहता निकला होगा दुआ कर जाऊं वापिस ना हूं, कसद के तेरे वो दिन चले गए जो जाके वापिस नहीं आते थे, वो तो शाम को फिर मेरे सामने बैठा होगा। जब से तेरे घर में आई नसीब फूट गए, दीवार में सिर दे के मारा के फूटे नहीं, अब फोड़ के दिखाऊंगा तेरे नसीब। बच्चे तंग, औलाद तंग, हंसते हैं माँ बाप के इस फसादात पे, कहते अच्छे अम्मी अब्बू तमाशा, दुकान पर आके देख लो, गाग को घूर के देख रहे, गाग कह रहे कि दुकानदार अंधा हो जाए, दुकानदार कह रहे गाग अंधा हो जाए, दोनों में ये सिलसिला चला हुआ है। वो कह रहे कि ये 500 रुपया दे के भूल जाए, इसे वापिस लेना बकाया याद ना रहे, दुकानदार कह रहा है, मालिक कह रहा है, गाग कह रहा है कि मैं सोता हूँ ध्यान इधर को, मैं तेरे को निकल के चला जाऊं। वोट देने वाले हुकूमत को गाली दे रहे हैं, एक कह रहा तो मेरे तो खिलाफ के काबा पकड़ के दुआ की, या अल्लाह गलती हो गई मुझे माफ कर दे, मैंने हुकूमत को वोट दिया। मैंने कहा पिछले में कौन से सोने के चमचे तेरे मुंह में दिए थे? उससे पिछली ने कौन से तुझे माशाल्लाह चांदी के कटोरी में मलाई खिलाई थी? बेवफा कौम है, जिंदा बात करके कुर्सी पे लाती हो, कुत्ता कुत्ता करके तुम नीचे उतार दो, अगला भी ऐसे ही आने वाला है इंशाल्लाह ताला। जब मिर्चे लगने लगती है तो कहते पहले वाले सही थे, अगले वाले खराब, 75 साल से ही तुम्हारा तमाशा है, यही रोना सुनते आ रहे हैं। भला हुकूमतों से तब्दीली आती है? पैसे से, माल से, दौलत से तब्दीली तो आएगी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से। सही कह रहा, गल कह रहा जी, बोलो बोलो, सही कह रहा, गल कह रहा। अब हम सारे कौन बैठे हैं यहाँ? अल्लाह के बंदे, नबी के उम्मती, और अपने आप को क्या कहलवाते हैं? गुलामे रसूल। तब्दीली कहाँ तलाश कर रहे हैं? हुकूमत में, ओहदों में, डॉलर के रेट गिर जाने में, सोने के रेट गिर जाने में।
और बाजार के अंदर जितने गुलामे रसूल, ये चाइना की लाइटें जब से आई है तब पता लगा मार्ज के रसूल है, अगर ये महंगी होती तो कोई पता ही लगता कि आज के रसूल की है। गुलामे रसूल में मौत भी कबूल है, कि हो ना इश्क़े मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, सारे गुलाम नबी। सुबह देख लेना इंशाअल्लाह, जिसके हाथ में दो धारी छुरा होगा और वो ऊपर से भी काटेगा नीचे से भी काटेगा, गुलामे रसूल होगा, कटने वाला भी गुलामे रसूल, काटने वाला भी गुलामे रसूल, छिल उतारने वाला भी गुलामे रसूल, छिल उतरवाने वाला भी गुलामे रसूल, सारे गुलामे रसूल है ना सारे माशाल्लाह। चलो सुबह चले जी, ये जितने गुलामे रसूल की दुकान है, बहुत कोने के अंदर दुकान है जो सुबह नमाज के बाद खुल जाती है, और सबसे पहले उसकी दुकान पे टेप रिकॉर्ड में चलता है, तेरा खामा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। उसकी दुकान से किलो चीनी तो खालिस लाके दिखाओ, ये सब मेरे सरकार का करम है, उसकी दुकान से किलो घी तो खालिस लाके दिखाओ। चलो पूरा तो चलो खाली छोड़ो, पूरा तोली कैसे लाके दिखा दो गुलामे रसूल की दुकान से। एक दुकान पर फिर पूरा किलो मिलेगा तो उसी के ढाई चटाके करने। यहाँ झांक के देखे अपने अंदर, इस्लामाबाद में देखे, वो जाने अल्लाह जाने, अपने गिरेबान में झांक के देखे कि मेरे अंदर नबी की कितनी गुलाम है। जन्नतुल बकी के अंदर जो आराम फरमा रहे हैं पैगंबर पाक के तकरीबन 10,000 से ऊपर के गुलाम जो है बाकी सारी पूरी दुनिया में, क्योंकि कब्रों की मिट्टी को जाके सूंघो तो सही पता लग जाएगा गुलाम ने किसको कहते हैं। इलाही मदीने की मौत दे दे, मदीने का मदफन दे दे, इतनी जल्दी मिलता है, इतनी जल्दी मदीने का मदफन। मदीने की मट्टी आम है, मदीना आम शहर है, 3 साल हो गए दुनिया के कोने कोने में धक्के खाते हैं, जाओ मदीना आम शहर होता तो तेरे मेरे जैसे पता नहीं कितने 3 साल में फेरे मार के होते, बड़ा साफ शहर है, पैसे वाले सारे लेके दरवाजे पे खड़े, भागो यहाँ से, जिसके मुकद्दर जागेंगे वही जाएगा, बगैर मुकद्दर वाला नहीं जा सकता। अगर 3 साल से हम ना जा सके समझ लो हमारे मुकद्दर सोए हुए। इनको जगाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, माल की जरूरत नहीं, इनको जगाने के लिए रात की तन्हाई में खुदा के आगे रोके दिखाने की जरूरत है। फरमाया माल वालों में माल से नहीं मानता, ओहदे वालों में ओहदे से नहीं मानता, अल्लाह अकबर इख्तियारात वालों में इख्तियारात से नहीं मानता, डॉलर पाउंड वालों में इन चीजों की मेरे यहाँ कदर ही कोई नहीं, इलाहुल आलमीन बता कैसे मानता है। पर मैं 100 साल के गुनाह लेके आ जा, दो आंसू निकाल के दिखा दे, मेरे बंदे पलक झपकने में देर है, मेरे मानने में इतनी भी देर नहीं लगती है, इतनी सी बात है। शिकवे करके दिखा रहे हैं, ना फरमानिया ना शुक्रिया करके दिखा रहे हैं, परवरदिगार आलम को कोई रोके नहीं दिखा रहा, वो बार बार कह रहे हैं मेरे बंदो जरा हाथ जोड़ के दिखा दो, मेरे दरबार में मुझे रोके दिखा दो, एक मरतबा तुम सच्चे दिल से अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने हथियार मेरे कदमों के अंदर डाल के कह दो इलाही हमारी बस हो गई माफ कर दे, बंदे सुबह सूरज बाद में निकलेगा, पहले मैं तेरी जिंदगी की काया ही पलट के रख दूंगा। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इसके मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, ये गुलामी तुझे बाजारों में नजर आई, ये गुलामी तुझे बारह बिलंबल में नजर आई, मेरे अजीजों हमारे से बड़ा बेवफा कौन होगा, ये कब मुहर्रमुल हराम का चांद चढ़ा, हर जगह जैनब जैनब तलाश कर रहे थे, हर जगह हुसैन हुसैन का नारा लग रहा था, भिल्ला वाली वालो बुल्ले वाली वालो वसंदे वाली वालो, ओए लोगो हर जगह जैनब की चादर तलाश की जा रही थी, गलियों में जैनब की चादर तलाश कर रहे थे, बाजारों में जैनब की चादर तलाश कर रहे थे, और चलो चलो मुहर्रमुल हराम का महीना गुजर गया, जैनब की चादर तलाश करने वालों तुम्हें बाजारों में नहीं मिली, गली में नहीं मिली, जितने कपड़ा मार्केट के अंदर दुकान में है, जितने होलसेल के ताजिर बैठे। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें।